नमस्कार, आज मैं आप लोगों के सामने श्री गोपाल प्रसाद व्यास जी द्वारा रचित कविता खूनी हस्ताक्षर लेकर आया हूं। यह कविता बर्मा की उस घटना का जिक्र करती है जब आजाद हिंद फौज का निर्माण हो रहा था। यह कविता बताती है कि देश के लिए जीने की श्रद्धा, शक्ति, सामर्थ्य वो हर एक में हो सकता है, लेकिन देश के लिए मरने का मादा सुभाष चंद्र बोस जैसे बिरलों में ही होता है। कविता। वो खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वो खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम, वो खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी है, जो परवश होकर बहता है वो खून नहीं है पानी। उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी थी, जिस दिन सुभाष ने बर्मा में मांगी उनसे कुर्बानी थी। बोले स्वतंत्रता के खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा, तुम बहुत जी चुके हो जग में लेकिन आगे मरना होगा। आजादी के चरणों में जो जयमाल चढ़ाई जाएगी वो सुनो तुम्हारे शीशों के फूलों से गूंथी जाएगी। आजादी का संग्राम कहां पैसों पर खेला जाता है, ये शीश कटाने का सौदा नंगे सर झेला जाता है। यो कहते कहते वक्ता की आंखों में खून उतर आया, मुख रक्त वर्ण हो तमक उठा, दमकी उनकी रक्त मकाया। आ जानू बाहू चीख करके वे बोले रक्त मुझे देना, इसके बदले में भारत की आजादी तुम मुझसे लेना। हो गई सभा में उथल पुथल, सीने में दिल न समाते थे, स्वर इनकलाब के नारों के कोसों तक छाए जाते थे। हम देंगे देंगे खून शब्द बस यही सुनाई देते थे, रण में जाने को युवक खड़े तैयार दिखाई देते। बोले सुभाष इस तरह नहीं, बातों से मतलब सरता है, लो ये कागज है कौन यहां आकर हस्ताक्षर करता है। पर ये साधारण पत्र नहीं, आजादी का फरमाना है, इस पर तुमको अपने तन का कुछ उज्जवल रक्त गिराना है। वो आगे आए जिसके तन में खून भारतीय बहता हो, वो आगे आए जो अपने को हिंदुस्तानी कहता हो, वो आगे आए जो इस पर खूनी हस्ताक्षर देता हो, मैं कफन बढ़ाता हूँ आए जो हंसकर इसको लेता हो। सारी जनता हंकार, हम आते हैं हम आते हैं, माता के चरणों में ये लो हम अपना रक्त गिराते हैं। साहस से बढ़े युवक उस दिन देखा बढ़ते ही आते थे, चाकू छुरी कटारियों से वो अपना रक्त गिराते थे, फिर उसी रक्त की स्याही में वो अपनी कलम डुबाते थे, आजादी के परवाने पर हस्ताक्षर करते जाते थे। उस दिन तारों ने देखा था, उस दिन तारों ने देखा था हिंदुस्तानी विश्वास नया, जब लिखा महारणवीरों ने खून से अपना इतिहास नया, खून से अपना इतिहास नया। शुक्रिया।